ठीक है तो शुरू करें जी। बोलिए, ये तीसरा टेक्स्ट है। अल हिंदू बलदुन जमहूरियुन। ठीक है, देखिए अब जो है ना, हम लोग एक तो अनसिन पैसेज का भी हल करेंगे और ऐसे ही नहव सरफ़ा का भी, ऐसे ही हम लोग साथ साथ ट्रांसलेशन का भी करते चलेंगे। ठीक है, अल हिंदू बलदुन जमहूरियुन तकाउ फ़ी क़ारत आसिया। हिंदुस्तान, पहले उर्दू में कर देता हूँ तर्जुमा, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तकाउ फ़ी क़ारत आसिया, जो कि एशियन आसिया कंटिनेंट यानी बर्रे आज़म में वाक़ है। तबलुगु मसाहतुहा 3 मलाइन, और क्या है, इकाही दाही 17,000 लाख, 10 लाख, 30 लाख हो गया, 3 मलाइन और 2 लाख, 100 अल्फ, ठीक है, और 80,000, इकाही दाही 17,000, 80,000, 80,000 और 400, 483, 83 किलोमीटर मुरब्बान। और इसकी जो मसाहत है, और इसकी मसाहत यानी इसका जो एरिया है, ये पूरा फैला हुआ है कितने स्क्वायर किलोमीटर में, इकाही दाही 17,000 लाख, 3 लाख 28,483 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक है, वह यतजावज़ अदद सुकानहा बिलियन नसमतिन, और वहाँ के पॉपुलेशन यानी वहाँ के रहने वालों की तादाद 1 बिलियन लोगों से भी ज़्यादा है। यतहद्दसु अबनाउ अल हिंदी बिलुगातिन मुख्तलिफा, और हिंदुस्तान के लोग अलग अलग ज़बान बोलते हैं। वह लगतुल हिंदी ही लगा रस्मी लिलबिलाद, और हिंदुस्तानी ज़बान, और लगतुल हिंदी यानी हिंदी ज़बान, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल ज़बान है, सरकारी ज़बान है इस मुल्क की। तदुम्मुल हिंदू फ़ी अहदानिहा अदियानात अल मुख्तलिफा मिनहा अल हिंदूसिया वल इस्लाम वल मसीहिया वल बुधिया वल सिखिया वल जैनिया, और हिंदुस्तान अपने गोद में अलग अलग धर्म रखता है, यानी हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मदाहिब हैं, जिसमें से हिंदुइज्म भी है, इस्लाम है, और ऐसे ही इसमें क्रिश्चियनिटी है, मसीहियत है, बुज़ियत है, और सिखिज्म है, और जैनिज्म है। ठीक है, यातमिदु इक्तिसादुल हिंद अला ज़राअती व सनाअ, और इंडिया की इकोनॉमी ये डिपेंड करती है, ये पूरी की पूरी मुनहसिर है काश्तकारी और सनाअ बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री पर। वतस्नाउ मिन अल इब्रति हत्ता सवारीख वल अक्मार असनाइया, और इंडिया ये बनाता है सुई से लेकर के, निडिल से लेकर के मिसाइल और सेटेलाइट तक। अंजबत अल हिंद अज़ुअमा अल किबार मिनहुम अल महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और हिंदुस्तान ने बड़े बड़े लीडर पैदा किए, जिसमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तज़्कुरु अल हिंद बिल आसार तारीख़ी अल क़दीमा, और हिंदुस्तान कदीम तारीख़ी मोनूमेंट से, तारीख़ी आसार से इंडिया, हिंदुस्तान भरा हुआ है, जिनमें के मनारत कुतुब, कुतुब मीनार है, अल्लतियाती लिज़ियारतिहा सुवाह मिन अल बुल्दान अल अजनबिय बिआदादिन हाइलतिन कुल सना, कि जिसकी विजिटिंग के लिए, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट दूसरे मुल्कों से एक बड़ी तादाद में हर साल आते हैं। चलिए, यह हो गया आपको तर्जुमा। तर्जुमा के बाद हम सबसे पहले पहला काम ये करते हैं, इससे अनसिन पेसेस से वाला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर नहव सर्फ वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद इसी को इंग्लिश में तर्जुमा कर दूंगा, और फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, सबसे पहला सवाल, सवाल समझ में आ गया सबको पढ़ने के बाद? जी चलिए, सबसे पहला सवाल, सर, सबसे पहला सवाल, अय्यु बलदिन लई अय्यु बलदिन लई सा बलदुन जमहूरी। ठीक है, अय्यु बलदिन बलद जमहूरी, सबसे पहला सवाल। नंबर 1, अल हिंद, पाकिस्तान, सऊदिया, अल जजायर, क्या बताएंगे?
आवाज आ रही मेरी? जी तो बताइए क्या बताइएगा? जी अल हिंद। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं देखिए, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताइएगा, मैं खोल लूँ जरा। आप लोग खामोश रहते हैं, मुझे खोलने दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चले, आवाज आ रही है? बताइए। जी ओके, ओके, चलिए दूसरा सवाल करता हूं। ما هو البلد الذي تجاوز عدد سكانها بليون نسمة؟ ठीक है, नंबर एक الصين, नंबर टू الهند, नंबर थ्री الجزائر, नंबर चार المملكة العربية السعودية। चलिए, ये आशिकुल हैं, आप बताइए। जी सर, ओके, चलिए, ये नवाब है, नवाब आप बताइए। जी सर, वो कौन? नंबर एक, चलिए सवाल। मैं हुआ البلد الذي تجاوز عدد سكانه بليون نسمة, ठीक है, तो बताइए। नंबर एक अल हिंद, असीन, नंबर थ्री कुल वाहिद मिन अल इस्नैन, नंबर चार असाउदिया। जी ओके, नवाब आपने बताया, ये हुसैन, आप बताइए कौन सा सही होगा? ओके, ठीक है, ये नरगिश, आप बताएं कौन सा सही होगा? क्वेश्चन है, मा हुआ अल-बलद अल्लदी तजावज़ा अददु सुकानिही बिलियूना नसमतिन, ठीक है, वो कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज़्यादा है? ठीक है, नंबर एक अल-हिंद, नंबर टू अस्सीन, नंबर थ्री कुल वाहिद मिन अल-इस्नतैन, नंबर फोर المملكة العربية السعودية. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, अल हिंद होगा। देखिए, यहीं पे मैं बार बार बताता हूँ कि अनसिन पैसेज को हल करने के लिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपने जितना लुसेंट वगैरह और जेके पढ़ रखी है उसको एक तरफ रखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ पैसेज देखना है, ठीक है, पैसेज देखना है यहाँ पे सिर्फ। और यहाँ पे ठीक, अगर आप अपना जनरल नॉलेज लगाएंगे तो आप असीन भी, यानी मतलब वो भी कह देंगे चाइना, लेकिन यहाँ पे इबारत में ये आई हुए तजावज आदद व सुकान है बिलियन न समा, तो यहाँ इंडिया की बात हो रही है तो कहाँ से वो सही हो जाएगा? ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल कर रहा हूँ, ये शाकिर, आप तैयार रहिए, आप जवाब दीजिए। शाकिर कहाँ गायब हो गए? शाकिर जी, आपसे। ما هي اللغة تعرف كلغة رسمية للهند؟ وہ کون سی زبان ہے جو انڈیا کی آفیشیل لینگویج ہے؟ نمبر ایک اللغة الأردية، نمبر ٹو اللغة الإنجليزية، نمبر تھری اللغة البنجالية، نمبر فور اللغة الهندية۔ جی، अच्छा, लोग अंजलिजिया। आप कब आए हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये इबारत का मैं तर्जुमा कर रहा था, तर्जुमे के बाद आए या इससे पहले आए? अच्छा,
अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, फिर आप पे कोई मुआवजा नहीं होगा, आप जो है मादूर हैं, कोई इशू नहीं। चलिए अजमल आप बताएं। अच्छा चलिए, अजकारुल सर, अजकारुल आप बताएं, आप बताएं। अल्लुगतुल हिंदिया, ओके। देखिए जब पैसेज ये होता हो ना, तो इस दिन लेट ना करें, पैसेज का हल कर दें, बाकी और दिन करेंगे तो वीडियो मौजूद रहता है, लेकिन इसमें चूंकि प्रैक्टिस होती है। चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर अगला सवाल, मा हुवा अल बलद अल्लज़ी यदुम्मु फी अहज़ानिही दियानात मुख्तलिफा, वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। नंबर एक अल हिंद, नंबर टू पाकिस्तान, नंबर थ्री नेपाल, नंबर फोर बांग्लादेश। अच्छा अल हिंद, ओके ओके ठीक है। चलिए नंबर चार सवाल, अगला सवाल, अला यशन यातमिदु इक्तसादुल हिंद, इंडियाज इकोनॉमी ऑन विच, इंडिया की इकोनॉमी जो है किस पर डिपेंड करती है, किस पे मुनासिर है, तो इसका जवाब देंगे एक मिनट जी। ओके ठीक है, ओके। मा ही अल अशिया अल्लती तुसनाओ फिल हिंद, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में बनाई जाती है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में बनाई जाती है। तो ये दीजिए अब्दुल्ला, आप जवाब दीजिए। देखिए मेरे डेस्क पे जो आ रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को पूछ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ सब आ जाएं। आप बताइए अब्दुल्ला, मा ही अल अशिया अल्लती तुसनाओ फिल हिंद, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। नंबर एक अलकमार सनाइया, नंबर दो अलौराक, नंबर थ्री अलहदीद, नंबर चार असरीर अलखशबी, नंबर पाँच कुल्लु वाहिद मिम्मा सबक, क्या बताएंगे जल्दी बताइए। चलिए आप ये बताएं, उजेला, उजेला आप बताएं। तजम्मुल आप बताएं अकबर जी। अलकमार असनाइया, देखिए पैसेज को हल करने के लिए आपको जवाब यहाँ से देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, वतुस्नाउ वतस्नाउ मिनल इबराती हत्ता सवारीख वल अकमार असनाइया, कि इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है, बनाता है निडल से लेकर सुई से लेकर के सेटेलाइट और मिसाइल तक। तो यहाँ पे आपको इसी पैसेज की रोशनी में जवाब देना है। तो मैंने आपसे सवाल किया था, माह ये लशिया अल्लती तस्नाउ हाल हिंद, इंडिया क्या क्या बनाता है, तो मैंने आपको जवाब कहा था अलकमार क्या कहते हैं, सबसे पहला था अलहदीद, हाँ अलहदीद, और बहुत सारी चीज़ें थी, लास्ट में था अलकमार सनाइया। तो आप अलकमार सनाइया ही जवाब देंगे, क्योंकि इस इबारत में यही है। ओके चलिए, मा ही अल अशिया अल्लती ला तुसनाउ फिल हिंद, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो नंबर एक अल इब्रा, नंबर टू असवारीख, नंबर थ्री अल अकमार असनाइया, नंबर चार नंबर चार क्या बोलेंगे अल हदीद, ठीक है, नंबर पांच कुल्लू वाहिद मिम्मा सबक। तो ये बताएं हसानू क्या है, हसानू हसनू आप बताएं। अच्छा हसनू जमा, इसमें चूंकि आधा नाम ही आ रहा है तो माजरत चाहता हूँ जो इसमें आ रहा है। हाँ जी बताएं। आपने हाँ, मा ही अल अशिया अल्लती ला तुसनाउ फिल हिंद, कौन कौन सी चीज़ें इंडिया में नहीं बनाई जाती। नंबर एक अस्सवारीख, नंबर टू अल अकमार सनाइया, नंबर थ्री अल इबरा, नंबर फोर अल हदीद, नंबर चार लैसा यु वाहिद मिम्मा सबक। सर नंबर
अच्छा जी, अलहदीद होगा। बोलिए क्यों? बात यह है कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया ना, व तस्नाऊ मिनल इबरती हत्ता सवारी खलकमा रसनाइया, तो जैसे इसमें यही इन्हीं सारी चीज़ों का तस्करा है और चीज़ों का तस्करा नहीं है, तो हम ये समझे कि हाँ, चूंकि हमें इस इबारत की रोशनी में जवाब देना है। पता नहीं समझ में आ रही है, समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा ओके ओके, चलिए सवाल ये है, अल हिंदू तज़खुरु बिल आसार अल तारीख़ी अल क़दीमा। इंडिया में जो है बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, यानी कि आसार क़दीमा हैं। इंडिया में, इंडिया भरी हुई है बहुत सारे आसार क़दीमा से, व मिनहा, और उनमें से कौन कौन सा है? ठीक है, वो मिनहा उनमें से कौन कौन सा है? नंबर एक अत्ताज महल, नंबर दो हदीकत लोदी, लोदी गार्डन, नंबर थ्री अलकलात अलहमरा, नंबर चार मनारत कुतुब, नंबर पाँच कुल्लू वाहिदिम मिम्मा सबक। तो इसका जवाब बताएंगे अब्दुल, आपने नहीं बताया, आप बताइए अब्दुल, बताइए। ठीक है ओके, आप नरगिश, आप बताइए। देखिए बात यह है कि मैं यही बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अनसीन पेसेज को हल करते वक्त आपको पेसेज को देख के जवाब देना है, अपने जनरल नॉलेज को नहीं। जैसे जैसे यहाँ पे है ये देखिए, कर्सर देख रहे हैं, तस्खुरुल हिंदू बिल आसार तारीखी अल कदीमा, इंडिया इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट्स, एंशियंट हिस्टोरिकल मोमेंट्स इंक्लूडिंग मनारत कुतुब। ठीक है, उनमें से एक कुतुब मीनार भी है। इंडिया में बहुत सारे आसार कदीमा हैं जिनमें से कुतुब मीनार है। ठीक है, तो आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से लाल किला भी है, ताजमहल भी है, लोदी गार्डन भी है, ठीक है, और मनारे कुतुब भी है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से यहाँ सिर्फ मनारे कुतुब है, तो हम मनारे कुतुब ही लगाएंगे। ओके ठीक है, चलिए अब यह आपका अनसिन पैसेज का हो गया, अब न हो सरफा का सवाल पूछता हूँ। ओके हाँ, बलदुन जमहूरी, इसका जवाब देंगे बलदुन, इसका जवाब कौन देगा? अब्दुर, अब्दुर आप जवाब देंगे। अब्दुर, बलदुन जमहूरी अय्यु नौ मिन अल मुरक्कब, ये कौन सा मुरक्कब है? नंबर एक अल मुरक्कब अल तौसीफी, नंबर टू अल मुरक्कब अल इजाफी, नंबर बताएं कौन सा होगा? बलदुन जमहूरी المركب التوصيفي. اوكي ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तकाउ फी قارة, सवाल नंबर दो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट इधर जाने दीजिए। चलिए रमजान, आप रेडी रहिएगा। सवाल नंबर दो, तकाउ फी قارة आसिया, तकाउ फी قارة आसिया, अय्यु नौ मिन अल जुमलती हादी, ये किस किस्म का जुमला है? नंबर एक अल जुमला अल इस्मिया, नंबर टू अल जुमला अल फ़ालिया, नंबर थ्री अल जुमला अल शर्तिया, नंबर चार अल जुमला अल, हाँ ठीक है, इन्हीं तीनों का बताइए। रमजान, चलिए आप सोचिए, ये सारीउल, सारीउल आप बताएं, SARIUL। चलिए तजम्मुल आप बताएं।
जुमला फैलिया होगा, ठीक है, जुमला फैलिया होगा। देखिए सब कान खोल कर जी, अच्छा कोई बात नहीं। सवाल मैं क्या था, तकाउ फी कारत आसिया अयु नौ मिनल जुमलत हादी, ये जो है जुमले की कौन किस कौन सी किस्म का जुमला है, ठीक है। अल जुमलतुल इस्मिया अल फ़ालिया शर्तिया, ठीक है। तो फिर जवाब दिया तजम्मुल ने, अल फ़ालिया है। तो यहीं पे रुक के समझ जाएं, जुमला की कई किस्में होती है। मेन जो है एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फ़ालिया है, ओके। तो अगर कोई जुमला इस्म से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं जुमला इस्मिया, और अगर कोई जुमला फ़ेल से शुरू होता है जी, हाँ, और अगर कोई जुमला फ़ेल से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं जुमला फ़ालिया, ओके। अब जवाब देंगे, तजम्मुल हो गए, नहीं आ रहा हूँ, अबरार आप जवाब दीजिए। अल हिंद बलदुन जमहूरियुन अयु नौ मिनल जुमला, ये किस किस्म का जुमला है, फ़ालिया इस्मिया, बताएं। वाह वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत खूब, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए आप, रमजान आप जवाब, रमजान मेरी आवाज आ रही है आपको, बताइए मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है, जुमला इस्मिया, ठीक है, वेरी गुड। تضم الهند في احضانها الديانات المختلفه، तो बताएं रमजान, في اي حال يقع كلمه الديانات، ديانات जो है किस हाल में है। नंबर एक الرف مرفوع منصوب مجرورة، بتائیے تضم الهند في احضانها الديانات المختلفة، رمضان آپ بتائیں جلدی سے، تضم یہ دیکھیے یہ ہے تضم الهند في احضانها الديانات المختلفة، ठीक है। तो बताएं الديانات في اي حال يقع تقع كلمة الديانات مرفوعة في حالة الرفع النصب الجر، बताइए जी, जर, ओके ओके। अबरार आप बताइए, वाओ वेरी गुड। मंसूब किसने बताया, मंसूब आपका नाम, अच्छा ठीक है, नाम जिन्होंने मंसूब बताया अपना नाम बताइएगा अभी। तदुमुल हिंदू फी अहदानिहा दियानात मुख्तलिफा, ओके। तो अद्दियानाति फी अय हाल तक़ऊ कलिमतु दियानात, दियानात जो है किस हाल में है, मरफू मंसूब मजरू, मजरू, ओके ठीक है, ओके ओके। जो लोग मजरूर कर रहे हैं, जो मजरूर किसने बोला, देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं, खुल के बोलिए, यहाँ जो क्लियर हो जाएगा तो आगे आप बता देंगे, ठीक है, ओके। आप मजरूर बोले हैं तो ये मजरूर क्यों है, लिमादा ही मजरूरत, मजरूर क्यों है, हर्फ़े ज़ार कहाँ है, फी, अच्छा फी तो यहाँ पे है ना, अहदान यहाँ पे फी है, अद्यानात पे फी कहाँ है। देखिए खैर, आओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपके लिए ताली बजनी चाहिए, बहुत खूब। देखें अद्यानात जो है ये जमा मुअन्नस सालिम है, ओके। जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या होता है, हालत रफ़ी में उस पे रफ़ा आता है, ओके, और हालत नस्बी और जर्री में दोनों में उस पे जर आता है, ठीक है। जैसे रायतु मुस्लिमा तिन होगा, ठीक है, शाहतु मुस्लिमा तिन होगा,
ठीक है, शज्जातु नाजहातिन होगा, समझ गए? ओके हाँ, सबके समझ में आया जिन लोगों ने इसको, जो मजदूर बोल रहे थे? चलिए ठीक है, तो अब ये देखें, तदुम्मुल हिंदु फी अहदानिहा अद्दियानाति अल्मुख्तलिफता, ओके, अद्दियानाति अल्मुख्तलिफता, अद्दियाना चूंकि ये मनसूब है, तदुम्मु का वो है, मफ़ऊल बिही है, ओके, तो मफ़ऊल बिही क्या होता है, मनसूब होता है, अद्दियानात चूँकि जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या होता है, हालत रफ़ी में रफ़ा होता है और नस्बी जर्री दोनों में कसरा होता है। चलिए एक सवाल करता हूँ मैं, आप इराब लगाइएगा, सरीउल आप इराब लगाइएगा, राय तू मुस्लिमात, यहाँ पे क्या इराब लगाएगा, रफा नसब जर क्या लगाएंगे? बताइए बताइए, राय तो मुस्लिमातिन होगा, ठीक है, ओके, हाँ, मुस्लिमातिन, ठीक है, ओके, चले आगे वाला सवाल है, आला ज़राअती यातमिदु इक्तिसादुल हिंदी अला ज़राअती व सनाअती, ठीक है, यातमिदु इक्तिसादुल हिंदी अला ज़राअती व सनाअती, इसका बताएंगे। जोशीमुद्दीन नाम है, जोशीमुद्दीन, चलिए शमीमा आप बताइए, ये सवाल है, यक्तसिदु इक्तिसादुल हिंदी अला ज़राअती व सनाअती, यातमिदु हुदा फ़िअलुन, ये फ़िअल है, फ़ऐन फ़ाइलुहु, उसका फ़ाइल कहाँ है, जल्दी बताइए, अज़्ज़राअ अस्सनाअ अल्हिंदी इक्तसादु, जसीमुद्दीन आप बताइए, यातमिदु इक्तिसादुल हिंदी अला ज़राअति वस्सनाअति, ठीक है, तो इसमें ये बताइए, यातमिदु हदा फ़िअल, ठीक है, यातमिदु फ़िअल है, फ़ऐन फ़ाइलु, तो उसका फ़ाइल कहाँ है, कौन सा जुमला है, अज़्ज़राअ अस्सनाअ इक्तिसादु, ओके इक्तिसादुल हिंदी, ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए आप एक मिनट, लिस्ट कैसे निकालते हैं, रुकिए मुझे लिस्ट निकालने दीजिए, तो इन कॉल मैसेज शेयर स्क्रीन रिपोर्ट शो कैप्शन सेटिंग सबका नाम लिस्ट निकालने दीजिए, लिस्ट कैसे निकलता है, पूरा नाम निकालो, अच्छा इससे, ओके समझ गया, ओके ठीक ठीक है, समझ गया, ओके समझ गया, ओके ओके ओके, चलिए हुसैन, हुसैन आप बताइए, क्या है इक्तसादुल हिंद, अयो नाम मिनल मुरक्कब हादी, ये जो है कौन सा सी तरकीब है, नंबर एक अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी या मुरक्कब अल इज़ाफ़ा المركب التوصيفي اوكي مركب اضافي چلیے اوكي اگلا سوال ہے المركب الذي يتكون من المضاف والمضاف اليه يقال له رکیے میں سوال کر رہا ہوں کس سے سریول سے المركب الذي يتكون من المضاف والمضاف اليه وہ مركب وہ ترکیب جو کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کے بنتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے نمبر 1 المركب التوصيفي المركب الإضافي بتائیے اوکے مركب إضافي ویری گڈ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ اوکے انجبت الهند الزعماء الكبار انجبت الهند الزعماء الكبار تو اس میں یہ بتائیے کہ حسن الزمان آپ بتائیے لماذا أي نوع من الجملة هذه؟ یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ الجملة الفعلية اسمية شرطية اسمية
अल जुमला अल इस्मिया, ओके अल जुमला अल इस्मिया, ओके तजम्मुल आप बताइए, तजम्मुल आप हो चुके ना हुस्नु ज़मान, हुसैन आप बताइए, जुमला फ़ैलिया होगा ना जी, जुमला फ़ैलिया होगा। देखिए अनजबत अल हिंदू अज़ामा अल किबारा, अनजबा फेल है, फेल है, ओके ओके। चलिए अब नंबर है जसीमुद्दीन आपका, जसीमुद्दीन ये बताइए आप कि अनजबत अल हिंदू अज़ामा अल किबारा, من أي باب تأتي كلمة فعل إنجاب أنجب؟ أنجب جو ہے کس باب سے ہے؟ نمبر ایک فعل يفعل تفعيل، فعل يفعل باب الافعال، باب التفعل، بتائیں جی؟ जी बताएं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ओके वेरी गुड, ओके बाबे रिफात, ठीक है। من التي يدخل التي يأتي لزيارتها سواح من البلدان الأجنبية بأعداد هائلة كل سنة، سواح ठीक है, सुवाह लिमादा मरफू, सुवा ये मरफू क्यों है, इसका जवाब देंगे जसीमुद्दीन हो गया, हुसैन भी हो गया, शरीयुल भी हो गया, ये वाला कौन है, शमीमा लास्ट वाला कौन है, हाँ आप बताइए, سواح لماذا مرفوع یہ مرفوع کیوں ہے، نمبر ایک خبرون، نمبر دو نائب فاعل، نمبر تھری مبتدا، نمبر فور فاعل، خبر، اوکے سواح خبر ہے تو اس کا مبتدا کہاں ہے، چلیے آپ کی باری گئی، समझ गया शमीमा जसीमुद्दीन और लास्ट में कौन है, एम डी जिसका जिसका ये हो गया, शाकिर आप बताइए, शाकिर आप बताइए, सुवा हुन लिमादा मरफून, सुवा मरफू क्यों है, शाकिर मौजूद हैं, हाँ मरफू क्यों है, ओके याति का फाइल है, अल्लती याति ली ज़ियारतिहा सुवाहुन मिनल बुल्दान अजनबिया, याति का फाइल है इस वजह से वो मरफू है, ओके। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर अगर कोई इस्म मरफू है, मरफू है तो उसको क्यों वो मरफू है इसको देखने के लिए आप उससे पहले देखिए, ठीक है, उससे पहले देखिए क्या, अगर उससे पहले फेल है तो आप फिर ये समझिए कि वो फाइल हो सकता है, अगर उससे पहले अगर इस्म है तो वो खबर हो सकती है, ठीक है, ओके। जैसे याती ली ज़ियारतिहा सुवाहुन, तो उससे पहले याती है ना, तो इसलिए जी जी आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, अच्छा फेल के बाद फाइल आएगा, देखिए एक सवाल इस तरह से आ सकता है आपको कि जुमला जो होती है उसकी सेटिंग क्या होती है, सीक्वेंस जिसको बोलते हैं अतरतीब, ठीक है, आयु शैन याती अवलन फिर तरतीब फिर जुमला तिल फ़ालिया, अगर कोई जुमला फ़ालिया है तो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, नंबर एक الفعل، نمبر ٹو الفاعل، نمبر تھری المفعول، نمبر فور
हाँ चलिए ये तीन ऑप्शन, तो क्या आएगा सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, देखिए ये बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फेल आएगा, ओके, सबसे पहले फेल आएगा। उसके बाद क्या आएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, फाइल आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे लास्ट में मफूल आएगा। इतनी चीजें समझ में आई? हाँ, अब आगे देखिए, आगे सवाल ये होता है कि क्या मफ़ऊल फ़ाइल से पहले आ सकता है। हल युमकिनु अन यतक़द्दम अल मफ़ऊल अल फ़ाइल, क्या मफ़ऊल फ़ाइल से पहले आ सकता है? देखिए सब म्यूट करके रखें, लोगों को परेशानी हो रही है, फिर जब जिनको मैं पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, इससे नेटवर्क ये होता, मैं पूछूंगा जिनको वो जवाब दीजिएगा। अच्छा मैं म्यूट करूं? चलिए चलिए कोई बात नहीं, सो रहा है सुने दीजिए। ये देखें सवाल है, तज़खुरु الهند بالآثار التاريخية القديمة, ठीक है, بالآثار التاريخية القديمة, तो الآثار أي نوع من الجمع, आثار जो है किस किस्म का ये जमा है, जमा की ये कौन सी किस्म है। ठीक है, तो जवाब कौन देंगे? अब्दुल अब्दुर आप जवाब दीजिए, जमा के कौन किस्म है? अला था नंबर एक जमा तकसीर, जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जी बताइए अब्दुर। अब्दुर अब्दुल अब्दुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये एक है अब्दुल, आप बताइए अब्दुल, आप बताएं। हाँ तज़खुरु الهند بالآثار التاريخية القديمة, الآثار أي نوع من الجمع, ये किस किस्म की जमा है, जमा की कौन सी किस्म है, जमा तकसीर, जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है जमा तकसीर, ओके वेरी गुड, ओके आगे बताएंगे। अब्दुल आप हो गए, जसमुद्दीन शाकिर अबरार भी हो गया। एमडी नूर आप बताइएगा, आप बताइए अब्दी नूर। बिल आसारी तारीखियत अलकदीमा, अल आसारी मजरूर लिमादा, अल आसार क्यों मजरूर है? नंबर एक लेन हो मुदाफ उन, नंबर टू लेन हो मुदाफ, नंबर फोर लेन हरफ अलजर यकाउ आलई, क्योंकि हरफ जर उस पर है। ओके ठीक है वेरी गुड, हरफ जर है। देखिए 10 मिनट रह गया है, हम लोग इसका इंग्लिश में तर्जमा करके कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लेता हूँ। ठीक है असल में हमारे पास रिकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम है ना कि हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैं वहाँ जा, रिकॉर्डिंग फिर बंद हो जाएगी,
असल सिस्टम इसमें ऐसा है। तो देखें, अल हिंदू बलदुन जमहूरियू, इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री, बलद कंट्री, जमहूरी रिपब्लिकन, ठीक है। तकाउ फी कारत आसिया, कारा को क्या बोलते हैं, कारा को बोलते हैं कंटिनेंट, आसिया को बोलते हैं आशिया, ठीक है। तकाउ को कई वर्ड आते हैं, लोकेटेड, सिचुएटेड, तकाउ फी कारत आसिया, तो हम कह सकते हैं लोकेटेड ऑन द एशियन कंटिनेंट या ऑन द कंटिनेंट ऑफ एशिया। तब लोगो मसाहत हुआ सलासतु मलायीन व मिअते अल्फ व समानून अल्फन व अरबा मिया व सलास व समानीन किलोमीटरन मुरब्बअन। तो तब लोगो मसाहत हुआ, मसाह को क्या बोलते हैं, मसाह को कह सकते हैं हम एरिया, मसाह को बोलते हैं एरिया, ठीक है। और किलोमीटर किलो मुरब्बा को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तब लोगों मसाहत हुआ, इट्स एरिया इज 3280483 स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा को बोलते हैं स्क्वायर। वो यतजावजु अददु सुक्कानिहा बिलियून नसम, वो यतजावजु अददु सुक्कानिहा बिलियून नसम, ठीक है। ये तजावजू को बोलते हैं एक्सीड, ये तजावजू को एक्सीड बोलते हैं, आदत को बोलते हैं नंबर, सुकान को बोलते हैं पीपल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कह सकते हैं। बिलियन को बोलते हैं बिलियन, नसमा को बोलते हैं इंसान यानी कि पीपल। ये तजावजू आदत सुकान है बिलियन नसमा एंड इट्स पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 बिलियन पीपल, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें होंगी, अब इसी से क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तजम्मुल अजकारुल, आप बताएं सबसे पहले आपका नाम। अजकारुल रिपब्लिकन मादा युआदिलुहा मिनल अरबी, यदि रिपब्लिकन जो है इसका इसकी अरबी क्या आएगी। नंबर एक बलदुन, नंबर टू जमहूरियुन, नंबर थ्री कारतुन, नंबर फोर मुरब्बा, क्या होगा बताइए। जमहूरी, ओके। चलिए आप बताएं अजगारुल के बाद हुसैन, आपका नाम है हुसैन, आप बताएं कंटिनेंट, कंटिनेंट अयु कलिमतिन अरबी यथिन तो आदिलुहा, कंटिनेंट की क्या अरबी आएगी, ठीक है। नंबर एक आसिया मुरब्बान कार्रा, हुसैन, चलिए हुसैन आप सुन नहीं रहे हैं, अब्दुल आप सुन रहे हैं, हाँ तो बताइए। कार्रा, कार्रा, ओके ओके, ठीक है। मुरब्बान आयु कलीमतिन, चलिए वो रहने दीजिए। स्क्वायर, स्क्वायर आयु कलीमा, आयु कलीमा अरबी या तो आदिलु स्क्वायर, कौन से अरबी कलीमा, अरबी वर्ड, कौन सा अरबी वर्ड आएगा स्क्वायर के लिए। नंबर एक किलोमीटर, नंबर टू मुरब्बा, नंबर चार अबना उल हिंद, बताइए किससे पूछा हूँ। हुसैन से, हुसैन आप बताइए। मुरब्बा, ठीक है। आयु कलीमा इंजलिजिया, कौन सी अरबी इंग्लिश वर्ड, कौन सा इंग्लिश वर्ड तो आदिलु कलीमत मसाहा, मसाहा वर्ड के लिए आएगा कौन सा, अरे इंग्लिश वर्ड। नंबर एक एरिया, नंबर टू पीपल, नंबर थ्री पॉपुलेशन, नंबर फोर पोल्यूशन, एरिया, ओके। तो ठीक है,
चलिए ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं तक करते हैं, और कल से फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर अगले हफ्ता, हफ्ते के 2 दिन इंशाल्लाह, या 1 दिन। जी जी